हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को संधि के बारे में बताया था कि संधि क्या होता है। तो संधि क्या है? जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं और उनके मिलने से जो नया शब्द हमारे सामने आता है वो संधि कहलाती है। ठीक है, संधि के कितने प्रकार है ये भी मैंने आपको बता दिया, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो ये तीन प्रकार हैं। अब इसमें भी अगर आगे बात की जाए तो स्वर संधि जो है पांच प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि की जो ट्रिक है मैंने आप सभी को बता दी थी, तो एक बार वो वीडियो भी जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के बारे में। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि आज मैं इन दोनों के ट्रिक्स आपके लिए लेके आई हूँ। वहां जो पिछला वीडियो था उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाके उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा कि उसमें मैंने स्वर संधि के क्या ट्रिक्स बता दिए थे, ताकि आप कुछ ही सेकंड में जो है इनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं, संधि के प्रश्नों को। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले विसर्ग संधि की। तो अब ये विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो ये जो दो बिंदियां आप लगाते हैं ये क्या होती है? विसर्ग कहलाती हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि कोई शब्द दिया गया है, अब यहाँ पे क्या है, दुष्कर। तो यहाँ पे अगर हमें अगर संधि विच्छेद इसका आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? दू हो जाएगा और यहाँ पे कर हो जाएगा। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग जो है हट जाएगा और उसकी जगह। तो अब आप इतनी सारी चीजों को ना याद रखे कि क्या जुड़ेगा क्या घटेगा, सिंपल सा आपको याद रखना है जब शब्द के बीच में आधा श, ये जो तीनों श आप पढ़ते हो ना, ये तीनों श जो आप पढ़ते हो, श शलगम वाला श, षटकोण वाला श और ये संतरे वाला सा, इन तीनों को जब आधा 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 कर देंगे तो वो शब्द जो बनेगा वो आ जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग बिंदे। अब वो आप कैसे याद रखोगे कि ये जो तीन श हमने पढ़े हुए हैं ना, उन तीनों श का आधा 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 जब शब्द में आ जाए वहां पे आपको कुछ और नहीं सोचना, वहां पे आपको विसर्ग संधि मार्क कर देनी है। जैसे दुष्कर, अब ये आधा श आया, ये वाला षटकोण वाला विसर्ग संधि है। ये प्रश्न आया दुष्चरित्र, आधा ये वाला श आया, हमने मार्क कर दिया विसर्ग संधि। अब यहाँ पे हरिश्चंद्र, ये वाला श आ गया, नमस्ते में ये वाला श आ गया, तो यहाँ पे क्या संधि हो गई? विसर्ग संधि। चलिए इतना ही आपको याद रखना है विसर्ग संधि में। अब बात करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है? तो व्यंजन यानी क ख ग ग ये सब जो आप पढ़ते हैं वो होती है व्यंजन। हिंदी में कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है, 11 स्वर है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, यानी कि व्यंजन अब जैसे कि क है, अगर क के बाद कोई स्वर जैसे कि अ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। या फिर व्यंजन के बाद अगर फिर से व्यंजन आ जाए, यानी कि क प्लस क कुछ ऐसा शब्द आ जाए, तो वहां भी क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि इसमें क्या होगा आपका व्यंजन संधि क्या होता है, कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसके ट्रिक्स क्या है, कुछ ट्रिक्स आपको मैं दे रही हूँ, तो उसके उसको देख के जो है आप इसको याद कर लीजिएगा कि हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो है ट्रिक वो क्या है, अंग का। अब देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा था कि कहीं पे भी आपको ऊपर बिंदे दिख जाए तो वहां पे क्या आ जाएगा? माँ में बदलना। जैसे कि संक्षेप, तो संक्षेप क्या होगा? सम जमा शेप, यानी कि जो अंग रहेगा जो बिंदी है वो माँ में बदल जाएगा। और जो बाद का शब्द है, बिंदी क्या है? माँ में बदल गया और पीछे वाला शब्द सेम टू सेम आ गया। फिर अगला यहाँ संहिता, बिंदी
माँ में बदल गई और पीछे वाला शब्द हमारा सेम टू सेम आ गया। तो पहली जो आपको याद रखनी है कि जो अंक की मात्रा होगी वो माँ में परिवर्तित तो हो जाएगी। दूसरा जो है ग का, यानी ये जो ग है वो किस में बदल जाएगा, क में बदल जाएगा। जैसे कि शब्द दिया हो दिग्गज, तो ये दिग्गज, अब बहुत बच्चे सोचेंगे ये तो दिग प्लस गज होगा, नहीं, ग जो है वो किस में बदल जाता है हमारा, क में। तो ये शब्द क्या बन जाता है, दिक जमा गज। तो यहाँ पे क्या है, क आ गया, या फिर दिगंबर, ग बोल रहे हैं दिगंबर, ग है बीच में, वहां पे भी क्या आएगा इसका, दिक जमा अंबर। तो ग किस में बदल जाएगा, क में, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है ड, ट में बदल जाएगा। कहीं भी अगर शब्द में ड रहेगा, जैसे कि बड़ानन या फिर हम कह ले षडानन, तो ये जो ड आ रहा है बीच में, अगर मैं यहाँ पे षडानन भी लिख दूं, तो ये श ड जो है ना वो ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बट जमा आनन, यहाँ पे षडानन लिखा है मैंने, तो वो हो जाएगा शट जमा आनन, ठीक है। तो हमारा ड जो है वो ट में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद ज च में बदल जाता है, ज किस में परिवर्तित होता है, च में। जैसे कि आजादी, यहाँ लिखा हुआ है आजादी, तो अ ज, ज किस में बदलेगा हमारा, च में। तो अ, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, अच जमा आदि, ये हो गया। तो ज हमारा बदल जाएगा च में, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद कहीं भी शब्द में आधा न, आधा च, आधा ल, आधा ज दिख जाएगा, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, त में। अब त में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा शब्द, जैसे कि उन्नति, आधा न आ रहा है इसमें शब्द में, तो ये इसका जब विच्छेद होगा तो क्या आ जाएगा, उत जमा नति। उच्चारण, तो क्या आ रहा है, आधा च आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उत जमा चारण। सज्जन, तो आधा ज आ रहा है, यहां मैंने बताया ना कि आधा ज आएगा, तो क्या आ जाएगा, सत जमा जन। तो क्या आ गया शब्द, आधा न, आधा च, आधा ज, आधा ल, तो ये सारे परिवर्तित हो जाएंगे त में। चलिए नेक्स्ट है श का ईश में बदलना। जैसे कि अब कई चीज आप पढ़ते हैं उसमें हम श को देखते हैं, यहां मैं लिख देती हूँ, श को स में परिवर्तित तो देखते हैं, लेकिन यहाँ हम क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं, हम संधि पढ़ रहे हैं, और संधि में श जो है, ये शलगम वाला श, ये हमारा ईश में बदल जाता है। यानी कि यहाँ आपको या तो ये याद रखने कि ये ईश में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर ये याद रखने कि इसके आगे ई लग जाएगा, तो किसी भी प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि शब्द दिया हो देवेश, तो ये किसमें बदल जाता है, देव जमा ईश, तो ये जो श था किसमें बदल गया, ईश में इसका परिवर्तन हो गया, तो श ईश में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा आगे देखिए अगला जो नियम है क्या है, आधा श और क हो, चाहे ये षटकोण वाला हो चाहे ये वाला हो संतरे वाला, तो शब्द में क्या हो जाएगा, ये जो आधा श के बदले यहाँ पे पूरा स जो है वो हट जाएगा और ये भी स हट जाएगा, यानी यहाँ जो हम श पढ़ रहे हैं वो हट जाएगा, इतना चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे कि शब्द यहाँ पे क्या दिया गया है, परिष्कृत, अब परिष्कृत में क्या है, आधा स आ रहा है ये वाला षटकोण वाला, तो यहाँ पे क्या है वो हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, परि जमा कृत। जब इसका हम अलग करेंगे या फिर हमें शब्द दिया हो परिजमाकृत, अब इसको संधि करेंगे तो क्या आएगा, परिष्कृत, श जो है इसमें जुड़ गया, और यहाँ पे आपको ध्यान रख रहे हैं कि अगर इसको अलग किया तो ये फिर श हट जाता है, तो जहां पे आधा श और ऐसे क दिया हो गया हो तो वहां से ये श का हट जाता है जब इसका विच्छेद करते। संस्कार, तो जब बिंदी आती है तो यहाँ मैंने क्या बताया कि बिंदी माँ में परिवर्तित हो जाती है, तो यहाँ क्या हो गया, सम,
फिर ये जो स होता है वो क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, यहाँ मैं इसे दिखा दूं, तो देखिए बिंदी हट गई, बन गया यहाँ पे बा, और ये जो आधा स है वो हट गया, क्योंकि यहाँ पे आधा स जो है वो हट जाता है, तो ये यहाँ पे हट गया, तो शब्द बन गया समजमाकार, संस्कार समजमाकार। फिर ये जो षटकोण वाला स होता है वो परिवर्तित हो जाता है इस वाले श में, यहाँ पर इस वाले श में परिवर्तित नहीं होता है, यहाँ पे इस वाले स में, संतरे वाले स में ये परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि शब्द दिया हो निषेध, तो ये क्या होगा, नी जमा शेद। अब ये जो स था वो क्या है, यहाँ से हट गया, यहाँ पे नहीं था, निषेद जो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो श होगा वो इस वाले स में बदल गया, नी जमा शेद। विषम, तो वी, फिर ये वाला श बदल गया हमारा इस वाले स में और शब्द बना विषम। ठीक है, अगला नियम, तो इसमें हम 10 नियम लेके चल रहे हैं। च, जो आधा च कहीं भी शब्द हो, अब वो क्या होगा, जैसे कि उसमें क्या होगा, जब उसका संधि विच्छेद होगा तो उसमें आधा च छ को हम हटा देंगे, अगर ऐसा हो तो हम जोड़ देंगे और ऐसा हो तो हम हटा देंगे। जैसे कि शब्द है स्व जमा छंद, तो ये क्या है, अब इसमें हमने क्या किया, स्व छंद, तो शब्द में जहां भी छ आएगा, यहाँ पे ऊपर वाले देखिए छोड़ दीजिए, शब्द में जहां पे छ आएगा उसमें हम क्या करेंगे, आधा च जोड़ देंगे। शब्द में क्या आया, छ, उसके आगे हमने लगा लिया आधा च, तो आधा च जो है हम, कहने का मतलब है, देखिए यहाँ लिखा जो है उस पे देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, यहाँ आप समझिए कि शब्द में जहां भी छ दिया हो उसके आगे हम शब्द में आधा च जोड़ के शब्द बनाते हैं, और जहां अगर हमें विच्छेद कटा हो तो वहां हम हटा देते हैं। जैसे कि स्व जमा छंद, तो क्या शब्द बना, स्वच्छंद, बीच में हमने आधा च जोड़ दिया, अनु जमा छेद, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अनुच्छेद, बीच में आधा च जुड़ गया, तो शब्द में जहां भी आपको छ दिखे तो वहां पे क्या जुड़ जाएगा, आधा च। फिर इसके बाद बात करें आधा श और ठ की, तो ये परिवर्तित हो जाएगा स्थ में, जैसे कि निष्ठा, तो निष्ठा, नी जमा स्था, अब यहाँ पे हम इसका जो विच्छेद करेंगे तो स्था नहीं होगा, ये हो जाएगा स्था। सेम यही करेंगे प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा को जब हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा प्रति जमा स्था, क्योंकि स्थ जो होता है वो स्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये व्यंजन संधि से संबंधित नियम है कि आपको कैसे याद रखना है कौन सी चीज किसमें परिवर्तित होती है। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस पूरे वीडियो का, ताकि आपके पास सारे ही उदाहरण जो है यहाँ पे आ जाए। मैं यहाँ पे साइड हो जाती हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये हमारे व्यंजन संबंधी और विसर्ग संधि संबंधी, यानी यहाँ पे मैं दो का जो है ट्रिक लेकर चल रही थी, एक हमारा विसर्ग संधि था जिसमें मैंने बताया कि आधा श, ये तीनों जो श होते हैं वो जहां पर शब्द में आ जाए वहां पे हमारा विसर्ग संधि होता है। ठीक है, अब व्यंजन संधि में क्या है, अंग का मा में बदलना, जो अंग की मात्रा होगी उसका मा में बदलना पहली ट्रिक, फिर ग का क में बदलना हो जाएगा, ड का ट में बदलना, ज का च में बदलना, उसके बाद आधा न, च, ल और ज, ये सभी आधे हो तो वो त में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर जहां पे हमें श दिखे तो वहां पे ईश में बदल जाता है। फिर बात करें आधा श और क की, स्क, तो स्क जो है वो स और ये वाले जो श होंगे वो हट जाएंगे, जैसे परिष्कृत, तो ये आधा श जो ये वाला था वो हट गया, षटकोण वाला सा या फिर ये संतरे वाला सा। अब फिर दूसरे अगली ट्रिक है कि पूरा ये वाला श हो, यानी षटकोण वाला पूरा स हो,
तो वो सा में परिवर्तित हो जाता है, जैसे निषेध तो वो नी जमा सेध, ये हो गई। फिर जहां पे आपको छ दिखे उसका जब आप आपस में जोड़ेंगे तो आधा च जो है इस छ के आगे जुड़ जाएगा, अनुच्छेद अनु जमा छेद, ये आधा च यहाँ से हट गया और जब इसका वो जोड़ा तो ये आपस में मिल गया, स्थ जो है वो स्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये थे व्यंजन संबंधी के संबंध में नियम। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा, तो आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ट्रिक जो है कामगर रहेगी, और आगे मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आप बताइएगा क्या फटाफट इसके उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।